हम अपने इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम किस तरह मेन्यू, सब मेन्यू, पेजेस और ब्लॉग पोस्ट अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप पहले देख रहे हैं, यहाँ पर आपका कोई भी पेज ऐड नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर नोट फॉर्म दिख रहा है और सिंपली आपको एक होम लिंक दिख रहा है जो इस थीम का डिफॉल्ट लिंक है और आपको उसके अलावा कोई भी मेन्यू नहीं दिख रहा है। तो आप किस तरह पेजेस ऐड कर सकते हैं, पेज में कंटेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, किस तरह आप ब्लॉग ऐड कर सकते हैं, किस तरह मेन्यू ऐड कर सकते हैं और किस तरह सब मेन्यू ऐड कर सकते हैं, आइए हम इस डेमो में देखते हैं। नाउ अब हम क्लिक करेंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम पेजेस ऐड करना देखेंगे। तो हम डैशबोर्ड पे जाने के बाद पेजेस में जाएंगे और इस ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। जब हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें ये स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें आप सबसे पहले अपने पेज का टाइटल ऐड कर सकते हैं। सपोज हम ऐड करते हैं होम और यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अपने होम पेज पे हम जो भी कंटेंट दिखाना चाहते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे। हेलो, इस तरह हम अपने होम पेज पे कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं। चाहे तो आप इमेज ऐड कर सकते हैं, ऐड मीडिया को यूज़ करके कंटेंट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और कुछ भी, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं अपने होम पेज पे आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप देखने के लिए कि क्या चेंजेस हुए हैं, आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज का कंटेंट दिख जाएगा। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपने जो भी कंटेंट लिखा था वो आपको शो होने लग गया। अब इस कंटेंट को सेव करने के लिए और पब्लिश करने के लिए आप पब्लिश पर क्लिक करेंगे। पब्लिश पर क्लिक करने के बाद अगर आप इसमें कोई भी कंटेंट ऐड करते हैं तो आपको अपडेट पर क्लिक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब भी आप कंटेंट ऐड करते हैं या कोई पेज ऐड करते हैं, आपको पब्लिश पर क्लिक करना पड़ता है और उसके बाद जब भी आप उसमें नया कंटेंट ऐड करते हैं आपको अपडेट पर क्लिक करना पड़ता है। इसी तरह अब इस वेबसाइट को हम दूसरे टैब में ओपन कर लेते हैं ताकि आप डिफरेंसेस देख सकें। तो अब हमने ये ओपन किया, ये इस तरह क्यों आ रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट था और ये जो अब आपने ऐड किया वो वाला है। आप इस पर क्लिक कीजिए, ये देखिए। अब इसे हम कैसे सही कर सकते हैं, उसके लिए अब हम जाएंगे अपीयरेंस में, मेन्यूज में। हमें मेन्यूज क्रिएट करने हैं तो मेन्यूज क्रिएट करने के लिए आप एक नया मेन्यू क्रिएट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आप जो भी मेन्यू क्रिएट करते हैं वो इस डिफ़ॉल्ट थीम में ऐड होते रहते हैं। इसके लिए हम पहले और पेजेस ऐड करते हैं और आपको डिफरेंसेस दिखाते हैं। मानिए हमने एक मेन्यू ऐड करना और अपने ऑप्शन में जिस पे ये वाला कंटेंट दिखेगा तो हम उसको नाम दे देते हैं मेन्यू वन और यहाँ पर कंटेंट में लिख दीजिए नाउ क्लिक ऑन पब्लिश। पब्लिश पे दबाइए, ऐड न्यू बटन अगेन, यहाँ पर मेन्यू टू और उसकी डिस्क्रिप्शन आप लिख दीजिए। सॉरी, क्लिक करिए पब्लिश बटन पर। इसी तरह ऐड न्यू तरह आप कितने भी पेजेस ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, जैसे कॉन्टैक्टर्स, अबाउटर्स। अब मानिए आपने यहाँ पे ऐड करना है एक पेज अबाउटर्स। ठीक है, इस तरह हमने अबाउटर्स पेज बना दिया है। इसी तरह हम जितने भी पेज चाहें हम ऐड कर सकते हैं। अब आप पब्लिश पे क्लिक कीजिए। अब अपनी वेबसाइट पे जाके देखिए क्या डिफरेंस दिख रहा है। आपको सारे पेजेस दिखेंगे यहाँ पर, ये और उनका कोई ऑर्डर नहीं है। तो उस ऑर्डर को सेट करने के लिए आपको किस तरह से कौन सा पेज दिखाना है और किस जगह पर दिखाना है, आपको मेन्यू वन मानिए यहाँ पर चाहिए, मेन्यू टू यहाँ पर चाहिए, मेन्यू थ्री यहाँ पर चाहिए और अबाउट अस यहाँ पर चाहिए और होम एक ही बारी चाहिए, तो उस चीज़ को आप कैसे सेट कर सकते हैं, आप मेन्यू के थ्रू सेट कर सकते हैं। मेन्यू में जाने के लिए हम अपीयरेंस में जाएंगे और मेन्यूज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जाने के बाद आप एक नया मेन्यू क्रिएट कीजिए अपने हिसाब से।
हमने इसको क्रिएट किया और इसे नाम दे दिया मेन मेन्यू और क्लिक करेंगे क्रिएट मेन्यू पे। अब हम इस मेन्यू में आप जैसे भी देख रहे हैं कि कोई भी मेन्यू आइटम ऐड नहीं है, तो जिस ऑर्डर में आपको चाहिए आप उसी ऑर्डर में इसमें ऐड कर सकते हैं। सपोज हमने ऐड किया होम फर्स्ट, फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि हमें मेन्यू वन दिखे, फिर हम चाहते हैं कि मेन्यू टू दिखे, मेन्यू थ्री दिखे, फिर अबाउट अस दिखे। तो आप इस ऑर्डर को सेट कर सकते हैं इसे ड्रैग करके, और जिस भी लोकेशन पे आपको चाहिए वहाँ पर इसे ड्रॉप कर दीजिए। अब इसे सेव पर क्लिक कीजिए। अभी भी आपको वहाँ कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा बताती हूँ। रिफ्रेश कीजिए, देखिए कोई डिफरेंस नहीं आया। ये हमारा होता है प्राइमरी मेन्यू। तो प्राइमरी मेन्यू में हमें किस मेन्यू को ऐड करना, हो सकता है कि हमने बहुत सारे मेन्यू क्रिएट किए हुए हैं। एक यहाँ के लिए मेन्यू बार क्रिएट किया हुआ है टॉप मेन्यू में, जैसा कि हम सोशल लिंक्स दिखाने के लिए कर देते हैं मानिए, और हमने प्राइमरी बार में भी प्राइमरी मेन्यू में भी अलग मेन्यू ऐड करना, तो ये पॉसिबल है कि हमारे पास बहुत सारे मेन्यू हो, तो हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि हम कौन से मेन्यू को यहाँ पर प्राइमरी में शो करना चाहते हैं। तो मानिए हम मेन मेन्यू को प्राइमरी में शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर प्राइमरी नेविगेशन पर क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करना पड़ेगा सेव मेन्यू। अब आप देखिए आपको चेंजेस दिखेंगे। ये देखिए आपने सबसे पहले होम डाला था, फिर मेन्यू वन डाला था, मेन्यू टू डाला था, थ्री और फिर अबाउट अस। तो आप जिस भी पेज पे क्लिक करेंगे आप उस पेज पे चला जाएंगे। अब होम पे क्लिक कीजिए। इस तरह आप मेन्यूज ऐड कर सकते हैं। मानिए अब हमें इसके नीचे और पेजेस ऐड करने हैं, तो वो हम किस तरह करेंगे, सेम पेजेस में जाकर हम यहाँ पर सब मेन्यू की तरह उसे ऐड करना चाहते हैं। तो हम क्रिएट करेंगे सब मेन्यू वन, पब्लिश, एड न्यू, पब्लिश, इस तरह आप ऐड कर सकते हैं अपना कोई भी कंटेंट और उसे पब्लिश कर सकते हैं। अब आपको इन्हें शो करवाना है इनके सब मेन्यू में। मान लीजिए आपको सब मेन्यू वन के अंडर चाहिए सब मेन्यू वन और सब मेन्यू टू, और मेन्यू टू के अंडर चाहिए सब मेन्यू थ्री। तो इस तरह आप कैसे ऐड करेंगे, आप अपीयरेंस में जाएंगे और मेन्यूज में जाएंगे। मेन्यूज पर जाने के बाद अगर आपको यहाँ पर कोई पेज शो नहीं हो रहा तो आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद हमें पहले ऐड करना है सब मेन्यू वन को, सब मेन्यू टू को, सब मेन्यू थ्री को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ नीचे वो ऐड हो चुके हैं। अब आप इनका ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे भी आपको दिखाना है। मानिए सब मेन्यू वन हमें किसके अंडर दिखाना है, मेन्यू वन के। तो आप इसे मेन्यू वन के नीचे लेके जाइए और थोड़ा सा राइट को करिए, देखिए ये आपको हायरार्की आ गई है, मतलब अब सब मेन्यू वन उसका चाइल्ड बन चुका है और मेन्यू वन उसका पेरेंट। इसी तरह आप मेन्यू टू को ऐड कर सकते हैं और मेन्यू थ्री को ऐड कर सकते हैं मेन्यू टू के अंडर, और इसे आप सेव कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर चेंज, जब आप इसके ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको सब मेन्यू वन दिख रहा है, सब मेन्यू टू दिख रहा है, मेन्यू टू के अंडर सब मेन्यू थ्री दिख रहा है। अब मानिए आप चाहते हैं कि मेन्यू वन के अंडर सब मेन्यू वन आए और सब मेन्यू के अंडर सब मेन्यू टू आए, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, सब मेन्यू टू को इसका चाइल्ड बना देंगे इधर ड्रैग करके, और इस पर सेव पे क्लिक कीजिए और रिफ्रेश करना है। मेन्यू वन के अंडर आ रहा है सब मेन्यू वन और सब मेन्यू वन के अंडर आ रहा है सब मेन्यू टू। तो इस तरह आप कितने भी मेन्यू सब मेन्यूज ऐड कर सकते हैं और पेजेज ऐड कर सकते हैं। अब मानिए हमें ऐड करना है ब्लॉग पेज, तो ब्लॉग पेज के अंडर क्या होता है, हमारे बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जो भी हम पोस्ट करते हैं वो सारे किसके अंडर आते हैं, ब्लॉग पेज के अंडर आते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ब्लॉग नाम से कैटेगरी क्रिएट करनी है। तो हम पोस्ट पर जाएंगे और एक कैटेगरी क्रिएट करेंगे, कैटेगरीज पर जाकर मानिए ब्लॉग,
ब्लॉग ऐड करना है हमें और सिंपली ऐड कर देना है ऐड न्यू कैटेगरी पे। ये ऐड हो चुका है, यहाँ पे आप देखिए आपका ब्लॉग ऐड हो चुका है। अब हमें इसके अंडर क्या करना है, पोस्ट ऐड करना है। तो हम जाएंगे ऐड न्यू पर और यहाँ पर डालेंगे पोस्ट वन। अब आप इसे कौन से ब्लॉग के अंडर शो करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने जैसे कि कैटेगरी ऐड की है, आप उतनी ही कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग भी बना सकते हैं। तो आपको जिस भी पोस्ट, जोन से भी पोस्ट को जिस भी कैटेगरी के अंडर दिखाना है आप उसे चेक कर लीजिए। यहाँ से हमने ब्लॉग सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने उसका फीचर्ड इमेज, फीचर्ड इमेज किस लिए होता है, अब मान लीजिए उसकी हेडर इमेज आप अलग दिखाना चाहते हैं या उसके साइड में थंबनेल जो है उसका दूसरा दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फीचर्ड इमेज यहाँ से हर एक पोस्ट के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो आप इसको क्लिक कीजिए और सेट फीचर्ड इमेज, और सेम पेजेस जैसे हमने क्रिएट किए थे वैसे ही क्रिएट करना है, पब्लिश पे क्लिक कर देना। जौन सा पोस्ट हम पहले क्रिएट करेंगे वो नीचे नीचे जाता रहेगा और जो हमारा लेटेस्ट होगा पोस्ट वो हमारा अपर वाली साइड पे आएगा। तो हमने अब दूसरा पोस्ट क्रिएट किया, पोस्ट टू, इसी तरह से हम इसको ब्लॉक के अंडर चाहते हैं तो ब्लॉक को क्लिक किया यहाँ से कैटेगरीज में जाकर और फीचर्ड इमेज हमने सिलेक्ट कर दी ये वाली, सेट फीचर्ड इमेज, क्लिक करना है पब्लिश पे। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद अभी भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमने अभी ब्लॉक कैटेगरी ऐड नहीं की। तो ब्लॉक कैटेगरी ऐड करने के लिए हमें फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, मेन्यूज में हम जाएंगे, अपीयरेंस देन मेन्यूज। आप यहाँ से आप ऑप्शन देख रहे हैं कौन कौन से, आप पेजेस ऐड कर सकते हैं, आप अपने मेन्यू में पोस्ट ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी ऐड कर सकते हैं और कस्टम लिंक। कस्टम लिंक क्या होता है, आप मानिए कि आपने फॉलोअर्स का एक लिंक बनाया और आप चाहते हैं कि ये आपके फेसबुक पे या फिर कहीं पे भी रीडायरेक्ट हो जाए, तो आप वहाँ पर उसका इस जगह पर आप उसका URL डाल सकते हैं। तो मानिए अभी मैं किसी पे रीडायरेक्ट नहीं करवाना चाहती, तो सिंपली मैं हैश डाल रही हूँ ताकि हैश डालने से वो उसी पेज पे ही रहेगा, जिस भी पेज पर है वो रीडायरेक्ट नहीं होगा। तो इसको ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दिया, ये आ गया फॉलोअर्स। अब आपने ऐड करना है कैटेगरी ब्लॉग, तो अब हम वो किस में होगा, कैटेगरीज में। तो हम कैटेगरीज में जाएंगे और ब्लॉग पे क्लिक करेंगे और ऐड टू मेन्यू। अगर आपको यहाँ कैटेगरी नहीं दिख रही तो आप व्यू ऑल पे क्लिक करिए तो आपको सारी कैटेगरी शो हो जाएंगे। अब आपको स्ट्रक्चर डिसाइड करना है, अभी इसको सेव पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे देखिए आपको किस तरह से शो होता है, ये आप देख रहे हैं। अब मानिए मुझे ब्लॉग पहले चाहिए, फिर मुझे फॉलोअर्स चाहिए और फिर मुझे अबाउट अस चाहिए, तो मैं वो यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। ब्लॉग को मैंने ऊपर किया, फिर मैंने फॉलोअर्स किया और फिर मैंने अबाउट अस किया, सेव। अब इसे रिफ्रेश कीजिए, अब देखिए अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो अबाउट अस वाले पेज पे चला जाएगा, मेन्यू वन पे, मेन्यू सब मेन्यू वन, सब मेन्यू टू, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो उस पेज पे चला जाएगा इस तरह से। और फॉलोअर्स पे अभी हमने कोई लिंक नहीं दिया, हैश दिया, तो वो जिस भी पेज पे होगा उसी पेज पे रहेगा। मानिए हमने ब्लॉग दिखना, ब्लॉग के अंदर हमने दो पोस्ट ऐड किए थे, पोस्ट वन और पोस्ट टू। तो पोस्ट वन हमने पहले ऐड किया था तो पोस्ट वन नीचे आएगा और पोस्ट टू बाद में ऐड किया तो पोस्ट टू ऊपर आएगा। आप देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा एक ब्लॉग है, पोस्ट वन नीचे आया और पोस्ट टू ऊपर आया। जैसे जैसे आप नए पोस्ट डालते रहेंगे आपके पुराने पोस्ट नीचे जाते रहेंगे। तो पोस्ट टू पे हम अगर खोल कर देखते हैं, आपने थंबनेल सेट किया था वहाँ पे फीचर्ड इमेज में, तो आप पोस्ट टू पे जाके देखिए आपने पोस्ट टू के लिए ये वाला थंबनेल सेट किया था तो वो उसका शो हो रहा है फीचर्ड इमेज। अब आप इसका यहाँ से कंटेंट देख सकते हैं, आप वापस पोस्ट वन पे जाना चाहते हैं तो पोस्ट वन देख सकते हैं। इस तरह आप अपने वेबसाइट में मेन्यूज, सब मेन्यूज, ब्लॉग और पेजेस ऐड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट, प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई वेबसाइट। बाय बाय।